माननीय अध्यक्ष जी, जो सरकारी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी विधेयक लेकर मैं आया हूं, इसकी धारा 45A से L वो निर्वाचन सुधारों के लिए। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे यहाँ अक्सर फरियादें होती थी कि सहकारिता में राजनीतिक हस्तक्षेप है। सरकार किसी भी दल की हो मगर राजनीतिक हस्तक्षेप की फरियादें होती थी। अब हम 45 और 45A से L तक में एक प्रोविजन लेकर आए हैं, जो चुनाव आयोग बनाने का प्रोविजन है, निर्वाचन प्राधिकरण बनाएगा, स्वतंत्र रूप से चुनाव करेगा। तो इससे सरकारी दखल कम हो जाएगी, निर्वाचन प्राधिकरण के सभापति की जो शक्तियां हैं वो लगभग लगभग चुनाव आयुक्त के समकक्ष कर दी गई है, इससे सरकार का दखल नहीं होगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ साथ तय किया है कि बोर्ड की एक तिहाई संख्या अगर खाली हो जाती है तो फिर से चुनाव करना पड़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इसके साथ साथ एक सुधार लेकर आए हैं कि बोर्ड की बैठकों में अनुशासन, सहकारी समितियों के कार्यलाभ और धारा 50 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और बोर्ड के सदस्यों को तीन माह के अंदर एक बोर्ड मीटिंग बुलाने के लिए कंपल्सन करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, उप सभापति या सभापति ये बोर्ड नहीं बुलाते हैं तो हमने तय किया है कि सीईओ की जिम्मेदारी होगी कि बोर्ड बुला ले और मीटिंग दे, नियमित हो जाए। कई बार बहुमत खो देने की स्थिति में कई बार मीटिंग ही नहीं बुलाई जाती। अब ऐसा नहीं कर पाएंगे और सीईओ द्वारा मीटिंग बुलाने के लिए अगर 3 मास में मीटिंग बुलाइए फिर भी 50% सदस्य लीक कर देंगे तो कंपलसरी मीटिंग बुलानी पड़ेगी। माननीय अध्यक्ष जी, सहकारी सोसाइटी के शासन में पारदर्शिता लाने के लिए इक्विटी शेयर धारक को बहुमत का प्रावधान भी हमने सुधारा है। सदस्यों में अनुशासन धारा 30 के द्वारा कोई भी सदस्य अगर गैर रीति के कारण निष्कासित हुआ है तो पहले वो फिर से चुनाव लड़ सकता था, अब 3 साल तक वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। माननीय अध्यक्ष जी, हमने इस सहकारी समितियों में एक SC या एक ST और एक महिला इसको रिजर्वेशन देने का काम किया है, जिससे ST SC और महिलाओं का प्रतिनिधित्व इसके अंदर बढ़ेगा। माननीय अध्यक्ष जी, निर्देशक बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए कंकरेंट ऑडिट की हमने व्यवस्था की है। 500 करोड़ से ज्यादा जिसका टर्नओवर है वो सारी सहकारी समितियों को कंपलसरी कंकरेंट ऑडिटर रखना पड़ेगा और वो ऑडिटर RBI की पैनल से ही रख पाएंगे। माननीय अध्यक्ष जी, विभिन्न संवैधानिक अपेक्षाओं का अनुपालन ना करने के लिए अगर बोर्ड के मेंबर नहीं करते हैं तो धारा 43 से उसको बोर्ड के मेंबर रहने के लिए अयोग्य घोषित करना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी सहकारिता आंदोलन से जुड़ा हुआ हूं। सहकारिता आंदोलन में बहुत सारा आरोप लगता था कि जो लोग सहकारिता समिति चला रहे हैं वो ही लोग अपने चाचा, मामा, चाचा का बेटा, भाई, साला, साली उसको नौकरी देते थे। अब हमने तय किया है कि कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी ब्लड रिलेशन नहीं, डिस्टेंस रिलेटिव को नौकरी नहीं दी जाता है। जी माननीय अध्यक्ष जी, हमने संपरीक्षण और सदाचार और यौन उत्पीड़न के लिए एक कमिटी बनाने का भी
प्रावधान किया है। हमने सूचना के अधिकार को भी इसके अंदर शामिल किया है, जिसे सूचना अधिकारी की अपॉइंटमेंट। माननीय अध्यक्ष जी, धारा 70(2)(3)(a) में हमने रिजर्व बैंक के रेगुलर पैनल से ही सादा ऑडिटर और कंकरेंट ऑडिटर को रखने का प्रावधान किया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने पूंजी बढ़ाने के लिए भी कई सारे उपाय किए हैं। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे पूरा भरोसा है कि बिल ये सदन के पारित करने के साथ ही देश के सहकारिता आंदोलन में एक नए युग की शुरुआत होगी और बहुत बड़ा परिवर्तन आने वाला है।